आप ये देख रहे हो, ये कृष्ण की द्वारिका नगरी है और ये पवित्र नदी है। यहाँ नहाने से इकोतिर पीढ़ी का मोक्ष हो जाता है। अरे इकोतिर पीढ़ी का पौड़ी का ऐसा मत बोलो, हिंदी पे बोलो मैडम। इकोतिर क्या बोलेंगे आप, चलो वो छोड़ो। ये महासागर बहुत दूर यहाँ से पाकिस्तान ही सागर है, फिर आगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिल जाएगा। उधर पवन चक्की है, ये गोमती नदी है, कृष्ण का पीछे मंदिर है और गायत्री शक्तिपीठ भी है। आप लोग जब आओ तो गायत्री शक्तिपीठ में एडवांस में बुकिंग करवा देना, क्योंकि वहाँ रहना अच्छा है, सी लाइन पर है और गुजरात में थोड़ा सस्ता भी है। लूटने वाले लोग कम लूटते हैं, लेकिन मैडम थोड़ा उधर मत जाना। नहीं, मैं उधर नहीं जाऊँगी तो भी ये लोग मुझे वापस भेज देंगे। ये बहुत पवित्र नदी है, इसमें आप एक बार स्नान करो। बंगाली लोग स्नान करते हैं तो और पवित्र हो जाते हैं। बंगाली लोग पवित्र ही है। और इसका कलर नीला है, ये सुंदर भगवान यहाँ इस समुद्र पर हर रोज मॉर्निंग अपने सारे यादवों के साथ युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं। कृष्ण ने और ये समुंदर है वो द्वारिका का सेफ्टी जोन। ठीक समझते हो ना, लुटेरे पणी नाम के लुटेरे दरिया से आते थे, मतलब पाकिस्तान की ओर से आते थे, बट कृष्ण के द्वारिका बसाने के बाद ये सेफ हो गया अपनी शक्ति से यहाँ। चलो।